मैं अपना शेयर करूं तो द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो शी इज अबव द गॉड टू मी। मैं आपको ज्यादा गॉड से ज्यादा पूछती हूँ। नहीं, जो है मैम वो फैक्ट है। आई हैव फाउंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद यू और एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय हार्टिएस्ट फ्रेंड, मेरी बहन निधि, जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। एंड दैट वाज 2 इयर्स बैक। आई हैड सम इश्यूज, उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया और वो कुछ सॉल्व होना स्टार्ट हुए। तो पहले तो आई टुक इट लाइटली, ठीक है ये होती हैं चीजें। बट देन फिर मैंने कुछ फील करना स्टार्ट किया एंड माई डॉटर एंड माई हस्बैंड बोथ ऑफ ऑल्सो, उन्होंने भी फील किया कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज देयर। उन्होंने भी आपको ज्वाइन किया एंड देन ट्रिमेंडस चेंजेस दे स्टार्टेड। और वो मैं आपके साथ शेयर करती थी, आई यूज टू शेयर विद निधि, बहुत अलग चेंजेस थे वो। एंड वी कुड फील इट कि हम कहाँ लाई कर रहे थे एंड वेयर यू पुल्ड अस, कहाँ तक आप लेकर गए। एक आई हैव ब्लाइंड फेथ, कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ, आंखें बंद करके मैं लाइक नॉट इवन मी, वी थ्री ऑफ अस आंखें बंद करके वी हैव अ फेथ कि जो बोल दिया दैट इज काइंड ऑफ लकीर काइंड कि वो फॉलो करना ही है। वी कांट लाइक मूव अहेड दैट। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा मानते हैं। और फिर लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर आई वेंट टू गुरुद्वारे, गई थी मैं नांदेड़, वहां से मेरा और जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से मैंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि यू नो। और फिर दीदी से बात की, उसने बोला कि यू शुड नाउ गो फॉर दिस गॉड कनेक्शन, और आपके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि अभी आप कराओ, बस बहुत हो गया, आई वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड। रोते रोते वहां से आई, आपने बोला सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, एंड फाइनली इट हैपेंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, विच फॉर व्हाट आई वाज वेटिंग डेस्परेटली। एंड वो जब हुआ, आपको सबको पता ही है हाउ स्टूपिड आई वाज, क्या किया मैंने वहां पे। फर्स्ट 2 डेज तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको मिल रही हूँ, लाइक आई कुडेंट एक्सेप्ट इट कि मैंने आपको हक किया, ये कैसे हुआ, हो क्या गया ये। एंड देन जब आपने वो करवाया, ओ गॉड, पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि हो गया। एंड वो जब मैंने वो क्या किया था स्टार्ट, रोना स्टार्ट किया एंड माय गॉड, सबके सब चुप करा रहे हैं एंड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार लाइफ में, और ये कनेक्शन कैसे हो गया। फिर वो फील होना स्टार्ट हुआ है कुछ कुछ है, और वो छोटू सा, और आज मैं मैम दिखती हूँ ना, व्हेन आई लुक इनसाइड मी, मैम कैसे आंसर्स मिलते हैं, आई कांट टेल यू मैम। रात को आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन बहुत बार, मैम ये हो रहा है अभी, जस्ट आई टॉक टू निधि ऑल्सो कि निधि यार ये मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ एंड मॉर्निंग में आई गेट द आंसर कि नहीं, यू हैव टू चूज दिस वे, यू हैव टू चूज दिस दिस पाथ, एंड दैट इज अ मिरेकल। हाँ वो होता है कई बार, डाउट होता है कि यार ये हुआ है क्या, बट देन वेन ही गिव्स यू द आंसर एग्जैक्टली यू फील इट। और एक बार वो उनसे क्वेश्चन पूछने की देर होती है एंड यू गेट इट, इट्स लाइक दैट। और फिर जब वो आंसर्स आते हैं, आई एम थैंकफुल टू हिम, थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग अस लाइक ऑल ऑफ अस ऑन दिस पाथ, एंड थैंकफुल टू निधि बिकॉज ये मैम क्या मिल गया, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि क्या मिल गया है एंड आपने क्या हमको दिया है सबको। और वो मोमेंट्स जब आपने वो करवाया था, सब रो रहे थे मैम, वो एक अलग मोमेंट था एंड दैट वॉज एक खुशी वाले आंसू, वो टपक रहे हैं एंड वी आर जस्ट हैप्पी। और मैं उस टाइम रीना जी को बोल रही थी, रीना जी फिर मैंने स्टार्ट किया, रीना जी ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, मैं वो वाला अपना सॉन्ग कैसे हुआ, बहुत डिफरेंट। एंड वो रिंगा रिंगा रोजेस, मतलब वो फैबुलस, एंड वी आई एम अगेन रेडी फॉर द रिंगा रिंगा रोजेस नाउ अगेन टू डू इट विथ ऑल ऑफ यू। लवली मोमेंट्स, बहुत अच्छे, इतनी अच्छी फैमिली मिली है, अबव ऑल सब मुझे तो लगता है मैम कि मेरे रिलेशन सब छूट गए पीछे वाले, दिस इज एक्चुअल थिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर, यही था एग्जैक्ट आई वॉज लुकिंग फॉर दैट। और अभी ये वाला सेशन हमने किया, आपको अगेन मिलना गोवा में, अमेजिंग, इट वॉज अबव एवरीथिंग। मतलब विक्की बोल रहा था ना कि हम आए आपके लिए, एक्चुअली एवरीबडी वॉज सेइंग दैट, जितनी भी हम लोग सब आए थे कि हम आए ही आपके लिए हैं दिस टाइम, तो दिस वॉज फैबुलस, एकदम फैबुलस, बहुत अच्छा है मैम। एंड अभी मैम और चाहिए मैम, और मैम और दो, जरूर वी आर वेटिंग फॉर इट। एंड जरूर मैम थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड फ्रॉम हार्ट। एंड
एंड ये वाली जो और हम सब एड ऑन हुए हैं, मैं आप सबको, आई विल एक्चुअली, अभी नैना जी ने सेम बोला, आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिकमेंड एवरीबडी कि प्लीज गो फॉर दिस. एंड अमेजिंग, वो फीलिंग ही डिफरेंट है यार. वो जब तक आप खुद नहीं फील करोगे, हम लोग आपको बताते रहेंगे, बट नहीं, जब आप खुद फील करोगे देन यू विल कम टू नो कि एक्चुअली वो क्या चीज है. आपको लगेगा कुछ मिला है यार कुछ, एंड यू फील इट कि वो अंदर है, यू फील दैट. और वो फीलिंग वही है, आई कांट एक्सप्रेस. बस सबसे बड़ा ये कि थैंक यू गॉड जी, पता नहीं हम लोगों ने क्या किया कि इतनी इजीली मिल गए यार. इतने प्यार प्यार में, प्यार प्यार में आप एंटर भी कर गए, और फिर सोचो यार ये हो गया, ओ ये क्या था. और भूख नहीं लगती यार, कई बार तो ऐसे होता है कि नहीं यार, यू फील इट और लगता है नहीं यार अभी भूख थी, अभी भूख ही नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मैं फुलफिल्ड हूँ, ऐसे लगता है कि फुलफिल्ड कंप्लीटली. एंड चेंजेस आर अमेजिंग, अमेजिंग चेंजेस. आप कुछ भी देख लो, फाइनेंसिस देख लो, लाइफ देख लो अपनी, बहुत डिफरेंट चेंजेस हैं. एंड आई रिकमेंड कि करना चाहिए, जरूर करो. एंड ये जो है ना, जो सामने बैठे हुए हैं, आपको ऐसे फ्लू, यू विल जस्ट फ्लू, ओके, ग्लाइड करके आपको ले जाएंगे, एंड यू विल नॉट कम टू नो. फिर जैसे हम लोग रोए थे, आप भी सो, ओ माई गॉड ये कैसे हो गया, ये क्वेश्चन से निकलेंगे, और सोचते रह जाओगे यार ये हो गया, बट वो हो गया, एक्चुअली वो हो गया है, नाउ आई फील इट. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अगेन, वी आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग यू. आप रेडी हो जाओ मैम. और अभी क्या करना है. जरूर जरूर, और हवा में उड़ेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू, लव यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच, होपिंग टू मीट यू ऑल वेरी सून. थैंक यू मैम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। रीना जी, आपको मेरा रोना याद है, आप लोग कैसे सब मेरे को मिलकर चुप करा रहे थे. और मैम, आई रिमेम्बर रूही जी ने मेरे को बोला था कि अभी ना आपकी लाइफ 360 डिग्री पूरी टर्न होगी, और मैं तो बोलती हूँ 360 डिग्री नहीं हुई है, 720 डिग्री हुई है. हाँ वेरी राइट वेरी राइट। जी मैम, थैंक यू मैम. प्रीति प्रीति जी, मुझे आज भी आपका वो रोना भी याद है, और वो इतना स्वीट से पूछना, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ हुआ, अरे मेरे साथ कैसे हुआ, वो क्यूट सा फेस और वो क्यूट से क्वेश्चंस, वो सब याद है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर बच्चा करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है, और फिर वो उसको लगता है अरे मेरे पापा ने साइन कर दी मेरे नाम पे, 3 साल के बच्चे के नाम पे, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे मेरा वही क्वेश्चन था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे इतनी इजीली मिल गए. लेकिन फिर जब मैम ने आंसर दिया कि बेटा जी, आप इसमें, इस जन्म में तो आपने जो किया, आप जो पहले करके आए हो, आपको ये उस चीज का अब मिल रहा है, तो फिर दिमाग में वो चीज एंटर हुई, यस यार कुछ तो किया होगा. कि एंड वो चीज मिलनी, उसको एक्सेप्ट करना, उसको लेना अंदर, वॉज अबव ऑल. और मैम एक और चीज, अभी क्वेश्चन ही नहीं है मैम, ये तो डू यू रिमेम्बर क्या वो सिली सिली क्वेश्चन आई यूज टू आस्क यू 2 ईयर्स बैक, 1 ईयर बैक, और अभी ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन ही नहीं है. आप बोलते हो ना एनी क्वेश्चन, तो मुझे, मैं तो एक तो क्वेश्चन निकले यार, एक क्वेश्चन तो आना चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं आते. अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ तो लाइक एवरीथिंग आई हैव इन साइड मी, तो मैं ढूंढू भी किसको ढूंढू, कहाँ जाऊँ ढूंढने. और मैम परसों रात को हम लोग नांदेड़ से अगेन वी केम बैक, वी वर 5 डेज वी वर देयर, तो मैं वहां पर ना मस्ती में घूम रही थी, तो मुझे लग रहा था मेरे पास ही तो हो, अब क्यों रहूं मैं, अब नहीं मुझे रोना आता, बिकॉज अब मेरे पास में ही तो हो. तो मैंने निधि से भी बात की, मैं कह रही थी मैं तो बड़ी कॉमन सी, आई एम जस्ट फ्लरिशिंग हियर देयर, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि मैं आई हुई हूँ. बट वो चीज मैम जो लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे को हुई, वो आई डेंट फील दैट. मतलब मुझे भी ये लग रहा था कि यार आई एम कंप्लीटेड, एवरीथिंग इज इन साइड मी, और आई वॉज हैप्पीली सिटिंग देयर. अदरवाइज तो मैं वहां बैठ के रोती रहती थी कि मिलो मिलो मिलो, बट दिस टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं वो हाई हेलो बाय टाटा कर रही थी, आप कैसे हो, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, ऑल फाइन ऑल गुड, यस प्रसाद सुबह शाम, आई यूज टू हैव इट फुल फ्लेज, बड़े मजे से और बड़े अच्छे से मैं वापस आई. कुछ ऐसा लगा नहीं कि नहीं कुछ मैं शायद मिस कर रही हूँ, नहीं अब मिस नहीं लगता मैम एक्चुअली, आई डोंट सी इट आई एम मिसिंग यू या मिसिंग वो जो एक डिवाइन पावर है कि मैं उनको मिस कर रही हूँ, नहीं, आई आई फील कि आई एम कैरिंग हिम विद मी ऑल द टाइम, 24/7. सोते हैं तो मेरे साथ सोते हैं, उठते हैं तो उठते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने लगे तो बीच में आ जाते हैं, टांग भरने के लिए पहले मेरे मुंह में डालो, इट्स लाइक दैट.
ये सब चीजें मैम छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट वी फील इट नाउ. जो पहले हम लोग उनको रोते रहते थे, आओ यार एक तो बाइट खाओ बीच में से, अभी लगता है नहीं, आप अपने आप ही ले लेते हो, अपने आप ही सब कुछ करते हो, एंड आप रास्ता ट्रैक भी खुद खुद ब खुद दिखाते हो. और इस चीज का मतलब वड्यू से कि मैं आपको ही सब वो दूंगी, बिकॉज आपसे जुड़ने के बाद ही ये सब चीजें होनी स्टार्ट हो चुकी है. एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर इवन द स्मॉल 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 माइन्यूट थिंग्स, एवरीथिंग मैम. थैंक यू सो मच, वी लव यू सो 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 मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच.